आपका इतना बड़ा कद रहा है कांग्रेस पार्टी में आप कानून मंत्री रहे हैं मनमोहन जी की सरकार में आप गांधी परिवार के बेहद नज़दीकी माने जाते हैं आपने कई मरतबा जब आपके बाकी साथ ही पार्टी छोड़ रहे थे गांधी फैमिली को डिफेंड किया है कांग्रेस को डिफेंड किया है क्या इस अहम फैसले से पहले आपने गांधी फैमिली से बातचीत की अपनी नाराजगी व्यक्त की क्या आपने बताया कि आप छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं और उनकी तरफ से आपको क्या रिस्पॉन्स मिला मैंने किसी से कोई बात नहीं की मैंने ये उचित ही नहीं समझा मुनासिब ही नहीं समझा कि मुझे किसी तरह की अपनी भावना को व्यक्त करने की ज़रूरत होनी चाहिए अगर कोई किसी की आहत को समझ नहीं पाता तो उसको बताने से कोई फ़ायदा नहीं इसलिए मेरा ये मानना है कि जब आपने एक फैसला ले ही लिया तो उसके बारे में ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं मैं इस मुद्दे पर क्योंकि आपने जो सवाल पूछा अहम है एक शेर में जवाब देना चाहता हूँ एक हिजर जो हमको लाक है ता देर उसे दोहराएँ क्या एक लोनलीनेस जो मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई है उसको मैं बार बार दोहराऊँ क्या जब जहर ही दिल में उतार लिया फिर उसके नाज़ उठाएं क्या जब जहर का प्याला पी लिया तो बार बार उसका जिक्र क्यों करना जब मैंने फैसला कर ही लिया है कि मैंने इस पार्टी में अब नहीं रहना तो किसी से बातचीत करने की कोई तरकार नहीं थी कोई मैंने ज़रूरत नहीं समझी क्योंकि इससे अपनी ही डिग्निटी कम होती है इसीलिए मैंने किसी से बात करना ज़रूरी नहीं समझा शेर में गहराई भी है दर्द भी छिपा है और ऐसे में सवाल यह है कि अगर 46 साल एक परिवार का हिस्सा रहने के बाद कोई तय करता है कि मैं अब पार्टी छोड़ने वाला हूँ अपनी एक नई पारी शुरू करने वाला हूँ तो कम से कम परिवार के जो बड़े लोग हैं पार्टी प्रेसिडेंट हैं उनको ये तलाक करना कि मैं नाराज हूँ या मैं खुश नहीं हूँ या मैं छोड़ना चाहता हूँ क्या आपने ये मुनासिब नहीं समझा देखिए सोनिया जी के प्रति मेरे मन में बहुत इज्जत है और रहेगी भी वो वो सेंसिटिव भी हैं डिग्निटी को पहचानती भी हैं और मेरा ये मानना है कि उनसे सीनियर कांग्रेस जनों की जो चोट का की भावना है उनसे दूर नहीं है वो पहचानती हैं समझती हैं पर अगर उन्होंने कोई कदम उठाना उचित नहीं समझा तो मैं समझता हूँ कि फिर अपना दर्द उनको दिखाने की क्या ज़रूरत है जो दर्द समझने समझ कर भी असमझ है ने सीनियर कांग्रेस वालों का जिक्र किया तो क्या इसमें अगर हम थोड़ा गहराई से घुसते हैं तो आपको लगता है कि और एक सीनियर और जूनियर एक सोनिया ब्रिगेड मनमोहन ब्रिगेड और एक राहुल ब्रिगेड के बीच में ये क्लैश था और ये जो जेनरेशनल गैप था कि राहुल गांधी जिस तरीके से कांग्रेस को चलाना चाहते हैं सोनिया गांधी जैसे पहले चलाती थी सबसे बातचीत करके कंसेंसस बना के आपको उसमें फर्क नजर आया कि जैसे एक नई कांग्रेस खड़ी हो रही थी उसमें आपको अपनी कोई जगह नजर नहीं आई जो नई कांग्रेस खड़ी हो रही है या जिस नई कांग्रेस को मैं कहूँगा खड़ी करने की कोशिश की जा रही है उस कांग्रेस का तो भविष्य अंधकार में है उसमें कोई सीनियर आए या कोई जूनियर आए मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता नौजवानों का आ, हक है कि वो बढ़ के देश की सेवा करें और जो सीनियर लोग हैं उनका ये अधिकार है उनका ये हक है कि उनका आदर किया जाए दोनों दोनों ही चीज़ों को साथ रख के पार्टियाँ चलती हैं अब इस पार्टी को क्या रूप क्या दिशा देनी है मैं समझता हूँ कि अब ये जो नई जनरेशन कांग्रेस में आ रही है उसके हाथ में है मगर आगे चल के इस पार्टी का भविष्य आने वाले 10-12 सालों में तो मुझे अंधकार में ही नज़र आता है